हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विरेन्द्र सांगतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर तो अगर नाम से ही पता करें, सिंक्रोनस मोटर यानी नाम से ही पता लग रहा है द मोटर इन विच द स्पीड ऑफ मोटर इज सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। ns इक्वल टू 120 f अपॉन p वेयर f इज फ्रीक्वेंसी, p इज नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 होते हैं तो फ्रीक्वेंसी वी आर सेइंग दैट 50 हर्ट्ज, तो 6000 अपॉन 2 दैट इज 3000 rpm विल बी द मैक्सिमम स्पीड, जनरली द मैक्सिमम स्पीड फॉर द सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है का क्या मतलब है कि जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो मोटर रोटेट नहीं हो पाती है। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ऑक्सिलरी मेथड्स को जो है वो यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे होता है, बिकॉज इट इज 3 फेज मशीन। अगेन ये किस तरह की मशीन होती है पहले और ये डिस्कस कर लेते हैं। ये किस तरह की मशीन होती है, 3 फेज एसी मोटर होती है। ये 3 फेज एसी मोटर का मतलब 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पे हमें 3 फेज एसी सप्लाई देनी पड़ती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में भी हम क्या कर रहे थे, स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे थे। मैंने क्या बोला, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दी हमने, ठीक, वहां पे वो जो मशीन होती थी इंडक्शन मशीन उसको हम सिंगली एक्साइटेड मशीन बोलते थे, बिकॉज ओनली ए 3 फेज सप्लाई वॉज फेड टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर। बट हेयर इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर और इसके रोटर पर हमें अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। डीसी सप्लाई देनी पड़ती है मतलब रोटर पे किस तरह की वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड फील्ड ऑलवेज डील्स विथ डीसी एंड आर्मेचर ऑलवेज डील्स विथ एसी। तो इसके स्टेटर पे तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई दे देते हैं। और रोटर पे हम इसको क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू जो है हम डीसी सप्लाई देते हैं। इसलिए अपन सिंक्रोनस मशीन को, सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं। डबली एक्साइटेड मशीन का मतलब क्या है, देयर आर 2 सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मीन्स the 3 phase AC supply is fed to the stator of synchronous machine, whereas DC supply is given to the field of the synchronous machine. अब मैंने आपको क्या कहा कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है मीन्स जब मैंने इसको सप्लाई ऑन की तो ये अपने आप ऑन नहीं होती है। उसका कारण देखते हैं, उसका कारण क्या है। देखिए कि ये जो है सपोज स्टेटर है और मैंने यहाँ पे जो है ये रोटर जो है इस तरह से बना रहा हूं, इसमें दिस इज रोटर, दिस इज रोटर एंड यहाँ पे जो है ये स्टेटर का जो है मैंने यहाँ एस पोल एन पोल बना देता हूँ। दिस इज स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, दिस इज एस, दिस इज एन, हेयर इट इज डॉट डॉट, हेयर इट इज क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पे एस और एन बन जाएगा एंड देन द फील्ड विल बी दिस। दिस इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर, ठीक। और यहां पे जो है दिस इज 3 फेज एसी सप्लाई और दूसरा डायग्राम मैं एसी के नजदीक बना रहा हूं। देन आई विल एक्सप्लेन हाउ द नेट स्टार्टिंग टॉर्क इज 0 इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग और द नेट टॉर्क इज 0 इन द केस ऑफ सिंक्रोनस motor and what are the methods by which it can made starting. So this is again s n, this is s and this is n, this is s, this is s, this is n. so क्या होता है देखिए कि जैसे ही हमने 3 फेज एसी सप्लाई दी स्टेटर को तो स्टेटर में पोल्स बन गए, यहां पर एन और यहां पर एस बोला हमने, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, तो टाइम पीरियड टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 50, दैट मीन्स 0.02 सेकेंड, यानी एक साइकिल जो है फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 0.02 सेकंड में ही अपन क्या बोलेंगे, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0.02 सेकंड। क्या कहने का मतलब है मेरा कि मैंने 3 फेज सप्लाई इज फेड टू द स्टेटर, तो इसमें क्या होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्टेटर पे जो पोल्स है ये एन और एस सिंक्रोनस स्पीड से जो है स्टेटर पे और एयर गैप के बीच में सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होते हैं। क्योंकि रोटर जो है वहां पे हमने क्या दी है डीसी सप्लाई दी है, तो डीसी सप्लाई देने की वजह से यहाँ पे रोटर पे पोल्स जो होंगे वो फिक्स पोलैरिटी के होंगे, तो रोटर पे पोल यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पर एस और यहाँ पर एन, ठीक है। इस डॉट का मतलब है करंट बाहर आ रही है, मैंने पहले ही बताया डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है, तो ये जो है रोटर एक्सिस बन गया और रोटर में यहाँ पर एस और एन यहाँ पे फिक्स हो गए। जिस पोजीशन में फर्स्ट साइकिल की अगर मैं बात करूं यहां पर एन है और यहां पर एस है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये एन जो है वो इस एस की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगले ही सेकंड में क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी 50 साइकिल्स है, 50 साइकिल यानी 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 साइकिल, ठीक, और उसको पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है 0.02 सेकेंड, यानी हाफ साइकिल के बाद ही 0.01 सेकंड के बाद ही जहां पे ये एन बन रहा था एन की जगह एस जो है 0.01 सेकंड हाफ साइकिल के बाद ही यहां पर जहां एन बन रहा था वहां एस बनने लग जाएगा और जहां एस बन रहा था वहां एन बनने लग जाएगा। रोटर में यहां पे फिक्स है एस और एन, तो अब क्या होगा इसमें एस और एस में डेफिनेटली देयर इज ए रिपल्शन, सिमिलरली यहां पर भी एन और एन में देयर इज ए रिपल्शन, तो 0.01 सेकंड में वापस ये कंडीशन आ जाएगी और 0.01 सेकंड में फिर से ये कंडीशन आ जाएगी। तो ड्यू टू रोटर इनर्शिया जो है रोटर मूव ही नहीं कर पाता है, और नेट टॉर्क जो मैंने यहां पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन सिंक्रोनस मोटर, तो इस वजह से जो है 0.01 सेकंड के बाद ही स्टेटर पे जो पोल्स बन रहे हैं उनकी जो चीज है जो स्टेटर के जो पोल्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से रोटर इनर्शिया की वजह से आपका रोटर जो है वो मूव ही नहीं कर पाता है, एंड दैट इज वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग और नेट टॉर्क विल बी जीरो इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो जैसा कि हमने देखा कि मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर के केस में देयर इज नो स्टार्टिंग टॉर्क और वी कैन से नेट टॉर्क विल बी जीरो और इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो हाउ वी कैन मेक इट ए सेल्फ स्टार्ट, सो वी हैव टू यूज द ऑक्सिलरी मेथड टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सिंक्रोनस मोटर। हाउ वी कैन स्टार्ट, वी आर यूजिंग ऑक्सिलरी मोटर। तो ऑक्सिलरी मोटर का क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी मोटर मींस वो मोटर जो कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में काम आए। तो वो मोटर जो है डीसी मोटर भी हो सकती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेम सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, और दोनों मशीन्स को जो है अपन शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। दोनों मशीन्स को अगर सेम शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया तो दोनों मशीन सेम स्पीड पे रोटेट करेंगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर को ऑन करेंगे एज ए इंडक्शन मोटर, दैट मीन सप्लाई इज स्विच्ड ऑन थ्रू द इंडक्शन मोटर साइड, एंड व्हेन सप्लाई इज गिवन टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर इट रोटेट्स नियर अबाउट द सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को ऑब्टेन नहीं कर पाता है, हमेशा उसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा लैग करती हुई, जो हमने पढ़ा है स्लिप स्पीड से जो है वो स्लिप करती है, और कभी भी स्पीड उसकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है। तो जब वो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर सिंक्रोनस मोटर के साथ में मैंने इंडक्शन मोटर लगा रखी है तो डेफिनेटली अगर इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वही सिंक्रोनस मोटर की स्पीड बनेगी, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू द सेम शाफ्ट। और जब उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग पर डीसी सप्लाई लगा देंगे। जैसे ही रोटर पे फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई लगा देंगे तो जो रोटर पोल्स है जो पीछे चल रही है वो क्या करेंगे, स्टेटर और रोटर पोल आपस में एक दूसरे को लॉक कर देंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर when the speed of synchronous motor is just below the synchronous speed, then only this DC is applied. जैसी DC दी इनके बीच में लॉकिंग हो गई तो स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड बन जाती है। That speed is synchronous speed and which is given I have already explained, that is 120 F/P। और एक बार स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई यानी स्टेटर के एन पोल ने रोटर के एस पोल को पकड़ लिया तो वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा रोटेट होता रहेगा। और फिर अपन क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे और सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पे तो एसी सप्लाई लगी हुई थी, रोटर पे डीसी सप्लाई लग गई, तो ये डबली एक्साइटेड मशीन हो गई और हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती रहेगी। तो दिस इज द मेथड व्हिच जनरली वी यूज अडॉप्टेड। इन दिस मेथड वी हैव यूज्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वी कैन ऑल्सो यूज ऑक्सिलरी मोटर एज ए डीसी मोटर ऑल्सो। फिर इसमें एक छोटी सी चीज और होती है कि जो मोटर है, जो सिंक्रोनस मोटर है, वो दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है? वन इज सिलेंड्रिकल रोटर, वन इज सिलेंड्रिकल रोटर एंड अनादर वन इज सैलिएंट पोल, अनादर वन इज सैलिएंट पोल। तो ये जो एग्जांपल बनाया है, ये मैंने सैलिएंट पोल टाइप मोटर का बनाया है। सैलिएंट पोल में क्या होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है वो वेरी करता है ड्यू टू द सैलिएंसी ऑफ पोल्स ऑन द रोटर साइड। और सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होता है कि ये सैलिएंसी नहीं होती है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल पोल्स बनते हैं, यानी स्टेटर और रोटर के बीच में जो है एयर गैप चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। तो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन जो होती है वो हाई स्पीड मशीन होती है और सैलिएंट पोल मशीन जो होती है वो लो स्पीड मशीन होती है। दिस इज ऑल अबाउट द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर।